हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज जो है ये वीडियो 4-5 दिन बाद आ रहा है और ये 4-5 दिन पहले ही मैंने शूट किया था। कल मैं आपको बिल्कुल नए तरीके से आपसे मिलने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं पार्क से आई थी, तो आते समय मैंने इतना सारा सामान ले लिया था जिसमें कि 2 लस्सी भी है। तो यहाँ पर मैं एक्सपायरी डेट देख रही हूँ। आजकल काफ़ी चीज़ें एक्सपायरी डेट में मिल रही है, चाहे वो दूध हो, ब्रेड हो, कई चीज़ों को मैंने देखा है। तो यहाँ पर मैं वहाँ पर लस्सी देखना भूल गई थी, यहाँ पर मैंने देखा जो कि एक्सपायरी डेट नहीं है। और कुछ सब्ज़ियाँ, कुछ फल सुबह सुबह के समय बिल्कुल ताज़ा मिलता है, तो मैंने ले लिया। और अभी लगभग 6:30-7:30 बज रहे हैं। लेकिन आज हुआ क्या, जब मैं आई पार्क से, इनके ऑफिस जाने का समय था 10:30, लेकिन अचानक से ऑफिस से कॉल आ गया कि नहीं, आपको 8:30-9 तक आना है और ये बिना खाना खाए जाते नहीं हैं। तो फिर मैंने कितनी तेज़ी से खाना, नाश्ता, टिफ़िन सब बनाया। तो अभी आपने देखा कि मैंने वो जो नींबू, अदरक, मिर्ची, धनिया पत्ता था उसको मैंने धोकर रख दिया है। यहाँ पर परवल है और कुछ फ्रूट्स वगैरह भी हैं। सारी चीज़ को मैं यहाँ पर एक एक करके धो लूँगी और धोने के बाद फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। और चूँकि अभी बाहर का मैं कुछ भी खाने से इनको मना करती हूँ, तो मैं घर में खाना खिलाकर ही बेचती हूँ। चाहे वो अगर ये अगर 8 बजे से पहले निकल जाते हैं तब तो दही चूड़ा वगैरह कुछ खा कर चले जाते हैं, लेकिन जब 8 बजे के बाद जाते हैं तो इनको बिल्कुल गर्म गर्म खाना खाने की आदत है, जिसमें कि दाल, चावल, सब्ज़ी, 2 सब्ज़ी ना हो सके तो 1 सब्ज़ी ही सही, लेकिन वो खा कर ही जाते हैं। तो अभी तक जो मैं ये फ्रूट्स वगैरह धो रही थी, ये मैंने यहाँ पर सेब लिया है, पपीता है, अनार है जो कि आप देख रहे हैं। और जब तक फल धो रही थी तब तक मुझे नहीं पता था, और यहाँ पर मैंने सारा चीज़ धो लिया है। और ये रात में जो मैंने बर्तन धोकर रखा था उसी तरह से रखा है, और साइड में जो मैंने सुबह मॉर्निंग ड्रिंक लिया था वो उसी तरह से है। और अब मैं सीधा चली जाऊँगी नहाने, और यहाँ पर मैं नहा कर आ गई हूँ। और बाबू को मैं यहाँ पर सेब और अनार काट कर दे दूँगी। और आज तो मैं कुछ भी नहीं खा पाई, कुछ भी नाश्ता नहीं कर पाई, जबकि आप लोगों को पता है मैं कुछ नाश्ता कर लेती हूँ फिर चाय पीती हूँ, लेकिन आज जल्दी से नहा कर आई, मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई अपना स्किन केयर नहीं, बाल नहीं ठीक किया। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कभी कभी, किन किन के साथ ऐसा होता है मुझे ज़रूर कमेंट्स कर बताइए कि मन में रहता है कि 1 घंटे के बाद ही जाएंगे, अच्छा आराम से करेंगे, नाश्ता कर लेते हैं, कुछ चाय पी लेते हैं, फिर खाना में लगेंगे, लेकिन अचानक से ऐसी स्थिति हो जाती है कि जल्दी जल्दी लगना पड़ता है। तो यहाँ पर वो जो आप देख रहे हैं रात का दूध है, और ये देखेंगे आप, मैं छाली निकाल कर रखती हूँ। पहले मेरा छाली बर्बाद हो जाता था, लेकिन फिर बगल में एक भाभी है जिनके साथ मैं पार्क जाती हूँ, उन्होंने कहा आप छाली निकालिए और मिक्सी में उसको करिएगा तो घी निकलता है। जब मैंने घी निकाला तो काफ़ी टेस्टी घर का घी था, इनको भी अच्छा लग रहा है, बाबू को भी। तो फिर मैं छाली को बर्बाद नहीं होने देती हूँ, इसमें मैं निकाल लेती हूँ छाली, और काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छा सुगंधित घी बनता है घर का। तो मैंने अदरक भी कूट कर डाल दिया और चाय बिल्कुल कम कर दिया है। इतना देर में क्या है कि आप चाय भी बन जाएगा और बाबू को मैं सेब और अनार भी दे दूँगी, कम कर चढ़ा दिया है, तो मन में उनको भी तसल्ली है चाय चढ़ी है, नहीं तो बोलेंगे लेट करवा दोगी, तुम्हारे चाय के चक्कर में मेरा ऑफिस छूट जाएगा, इस तरह होने लगता है। तो ट्रिक के साथ काम करना पड़ता है। अब जब तक चाय होगी मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर परवल काट लूँगी। तो यहाँ पर मैंने परवल को धो लिया है, छील कर मैं परवल को धो लूँगी, सब्ज़ी काट लूँगी, और उधर गैस पर मैं सब्ज़ी भी चढ़ा दूँगी। और उधर जब मैं नहाने जा रही थी तो मैंने आलू बॉयल करके रख दिया था, तो यहाँ पर मेरा आलू बॉयल हो गया है। और चाय मैं अभी बिल्कुल 2 घूंट पीऊँगी, क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं है, लेकिन ये गुस्सा जाएंगे कि तुम कब चाय पियोगी। तो इसीलिए मैं इनको दिखाकर 2 घूंट मैं अपने लिए रख लूँगी, बाकी मैं बाद में पीऊँगी। तो जल्दी जल्दी यहाँ पर मैं सब्ज़ी काट लूँगी और चाय इधर जल्दी से पका कर उधर मैं एक तरफ सब्ज़ी चढ़ा लूँगी और दूसरी तरफ जल्दी से दाल अरहर का फ्राई करके दाल को सेट करके मैं गैस पर चढ़ा दूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा यहाँ पर कि सब्ज़ी उधर चढ़ा कर पहले चावल बना लेती हूँ, अगर दाल ना बन पाए तो चावल सब्ज़ी ही मैं दे दूँगी, लेकिन खाना खाकर ये जाते हैं तो भाई जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आलू को मैंने निकाल लिया है और सब्ज़ी भी मेरी कट गई है, वहाँ पर मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए डाल दिया है। आप लोग अगर पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे मैं सब्ज़ी के लिए कढ़ाई चढ़ाती हूँ तो उसमें मैं पहले अरहर का दाल फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं करूँगी क्योंकि सबसे पहले मैं सब्ज़ी में छौंक लगा दूँगी, दाल मैं फ्राई करूँगी तवा पर, ताकि कम समय में जल्दी काम करना है मुझे। तो यहाँ पर आप देखेंगे लगभग मेरा चाय भी हो गया है और यहाँ पर मैं चावल धो रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं चावल ही बनाऊँगी और उधर सब्ज़ी बनाऊँगी। समय बच गया तो मैं दाल बना लूँगी, नहीं बचा तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर मेरा चाय हो गया है।
तो एक कप में तो बिल्कुल थोड़ा सा लूँगी और एक कप में ज़्यादा, तो इनको मैं चाय मैं इनको दे दूँगी और फिर उधर मैं सब्ज़ी में छौंक लगा दूँगी। यहाँ पर मैं चावल निकाल रही हूँ। और इधर मैंने सब चावल चढ़ा दिया है, उधर सब्जी में छौंक लगा दूंगी और जो फ्रूट्स बचा है जो बाबू नहीं खा पाया उस फ्रूट्स को और ये चाय को लेकर मैं चली जाऊंगी। इनको मैंने चाय दे दिया है, अब मेरी चाय यहाँ पर रखी हुई है। मुझे चाय पीने का ज़्यादा टेंशन नहीं है, जितना जल्दी मुझे लगता है कि मैं जल्दी से खाना बना लूं, क्योंकि आज तो ये भी बिना नहाए ही चाय पी रहे हैं। ये चाय पीकर सीधा जाएंगे नहाने और उनके नहा कर आने तक मुझे जल्दी जल्दी बनाना है खाना। और यहाँ पर जल्दी जल्दी में दाल थोड़ी पतली बन गई है, इसीलिए मैंने अंदर से निकाल कर दे दिया, लेकिन मैंने बना दिया, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही फास्ट मैंने बनाया है। और यही घर का घी है जो कि मैंने एक चम्मच में डाल दिया है और गर्म गर्म खाना इनको काफ़ी टेस्टी लगा था। और यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इधर टिफ़िन भी तैयार कर लिया है, यानी रखा है उधर साइड में, और यहाँ पर मैं टिफ़िन के लिए रोटी बना रही हूँ और आज मैं यही सब्जी देने वाली हूँ और रोटी में घी लगा कर दे दूँगी। और एक खीरा है जिसका कि मैं दही में डालकर रायता बना दूंगी, थोड़ा सा सरसों पाउडर डालकर, काला नमक, हरी मिर्च डालकर, तो ये मैं इनको टिफ़िन दे दूंगी। तो चलिए मिलते हैं अब हम आपसे इनको भेजने के बाद। और यहाँ पर मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ। इतना करते करते किचन का जो हालत है ऊपर के स्लैब्स का पूरी तरह से हालत बिखर गया है, लेकिन इनको ऑफिस भेजने के बाद मैं भी खाना खा लूँगी। बाबू को तो मैंने खिला ही दिया है, अभी फ्रूट्स खाया है और उसके बाद जब मैं लेकर बैठूँगी रोटी सब्जी दाल तो ये भी खा लेगा, सलाद बना लूँगी। और अब मैं आपको किचन दिखाती हूँ, पूरा किचन की सफाई मेरी हो गई है। इसमें मैंने रोटी रखी है जो अभी बनाकर बचा था, और जो ये सुबह सारे फल सब्जी धोए थे, ये रात का दूध जो कि गर्म करके रख दिया है, इसमें थोड़ा सा चावल दाल और सब्जी बचा था तो इसमें मैंने उसको रख दिया है
क्योंकि बिल्कुल सवेरे मैंने बनाया, हो सकता है बाबू दोबारा खा ले। तो यहाँ पर मैंने और इधर गैस वगैरह सब कुछ पोछ कर मैंने अपने काम को निपटा ही लिया है, किचन से बिल्कुल छुट्टी और सारे बर्तन को भी धो दिया। और ये जो डब्बा देख रहे हैं, ये मेरे ससुर साहब आए थे अभी, तो इसमें कुछ मिठाइयाँ लाए थे, तो मैं इस डब्बे को फेंकती नहीं हूँ। ये काफ़ी काम के होते हैं, मैं जिस दिन आपको फ्रिज दिखाऊंगी उस दिन आपको समझ में आ जाएगा मैं इससे क्या काम करती हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे शाम के लगभग 4-5 बज रहे हैं, यहाँ पर मैं आ गई हूँ नाश्ता के लिए। बाबू ने कहा आज मुझे सैंडविच खाना है, तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ सैंडविच। तो चलिए जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। तरीका मैं नहीं बता रही हूँ कैसे क्या है, क्योंकि आपको दिख ही रहा है, इसलिए मैं फास्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया का पत्ती लिया है, नींबू लिया है, अदरक है, ये अदरक नहीं सॉरी टमाटर, खीरा और प्याज है। थोड़ा सा जो आलू बचा हुआ था उसको मैंने फ्रिज में रखा था, उसको मैंने मैश कर लिया है। इसमें मैं नमक डालूंगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूंगी, थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी और हरी मिर्च अभी नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे भी ये खाना है। हरी मिर्च मैंने काट कर रखा है, लेकिन बाबू के लिए एक दो बनाकर साइड कर लूँगी, फिर मैं हरी मिर्च डालूँगी। और यहाँ पर अब मैं पैन को गर्म होने दे दूँगी और फटाफट फटाफट मैं यहाँ पर बना लूँगी सैंडविच बाबू के लिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं सस्पेन भी तैयार रखी हुई हूँ चाय के लिए, क्योंकि चाय शाम हो गई है और इस तरह का अगर आप नाश्ता करते हैं फिर चाय पीने का मन करने लगता है। तो यहाँ पर मैंने रेडी रखा हुआ है और इधर मैंने प्लेट में सॉस निकाल लिया है, प्लेट तैयार है। यानी कि मैं अगर कोई काम करती हूँ, नाश्ता बनाऊँ, चाय बनाऊँ, खाना बनाऊँ, तो उसके पहले क्या करना है, अगले स्टेप के लिए मैं बिल्कुल तैयार रहती हूँ। जैसे कि अब बनेगा फिर मैं चटनी लूँगी, नहीं, मैंने पहले ही चटनी रख लिया है। ये सैंडविच बनने के बाद मैं चाय के लिए सब कुछ ढूंढूंगी, तो मैंने पहले तैयार रख लिया है। ये सब मैं इस तरह से करती हूँ और काफ़ी काम आसान हो जाता है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा देखेंगे आप, मैंने फ्लेम को तेज़ कर दिया था तो थोड़ा सा इसमें लग भी गया था ब्रेड थोड़ा सा, लेकिन मैंने अधिक अधिक बटर डालकर उसको कंप्रोमाइज़ कर लिया था। बाबू उसको समझ नहीं पाया था और टेस्टी लग रहा था। हमारे पास सैंडविच स्टैंड भी है, लेकिन उसमें काफ़ी लोचा होता है, उसमें एक बार में एक बनता है, समय लग जाता है। और इसमें मैं जल्दी जल्दी 3-4 मैंने बना लिया था। तो यहाँ पर मैंने इसका वाट जो है तेज़ रखा था, इसलिए ये जल गया था। तो फिर मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर इस तरह से मैं इसी तरह बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं बताइएगा, कभी मैं आपको स्टैंड पर भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं जैसे दोनों तरफ से मैंने ब्रेड को पका लिया और इसको बिल्कुल प्रेस कर करके बिल्कुल इसको पका लूँगी दोनों तरफ से। उसके बाद फिर मैं इस पर जो मैश किया हुआ आलू है इसको डाल दूँगी और तब तक दूसरे साइड में पकते रहेगा। यही आलू डालने में मुझे थोड़ा सा समय लग गया था जो कि जल गया था। और आलू को डालने के बाद फिर मैं इस पर अच्छे तरीके से खीरा और टमाटर प्याज इन सब चीज़ों को डाल दूँगी और सॉस भी ये ब्रेड पर सॉस लगाने के बाद, अगर जिस दिन मैं आलू वाला नहीं डालती हूँ उस दिन मैं ब्रेड पर सॉस लगा लेती हूँ और अभी भी मैंने लगाया है। और फिर दोनों साइड से इसको प्रेस करके बिल्कुल अच्छा, इसको खाने के समय भी ये नहीं टूटता है, कभी आप लोग ट्राई करके देखिएगा। और ये जो पोटैटो क्रशर है इससे भी प्रेस कर देती हूँ ताकि बिल्कुल दोनों चिपक जाए और इतना अच्छा बनता है, बहुत ही अच्छा, टेस्टी तो खाने में लगता ही है और बना भी काफ़ी अच्छा था। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं और फिर चाय को हम चढ़ा लेंगे। जैसे यहाँ पर मेरा कंप्लीट बन जाएगा, 3 पीस मैं बनाऊँगी, 1 पीस बाबू के लिए, 2 पीस अपने लिए, फिर बाद में बाबू मांगेगा तो फिर बना लूँगी। और उसके बाद ये बनने के बाद मैं चाय चढ़ा दूँगी, जब तक ये खाऊँगी तब तक चाय बन जाएगा। मेरा यही सब सेटिंग रहता है, काफ़ी मैं समय बचाना चाहती हूँ। और पिछले वीडियो को आप लोगों ने अगर देखा होगा तो मैंने आप लोगों को कहा था कि वो लाइट के लिए जब मैं मेकअप का वीडियो बनाती हूँ तो मेरा जो है लाइट आ गया है, मैंने ऑर्डर कर दिया था, वो आ गया है। और कल का जो वीडियो है उसको बिल्कुल देखिएगा, मैंने बहुत ज़रूरी चीज़ एक मंगाया है, हो सकता है आप लोगों के काम में भी वो चीज़ आए, उसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता तैयार हो गया है, चाय चढ़ गया है और जब तक मैं नाश्ता करके आऊँगी मेरा चाय बन जाएगा। मैंने बिल्कुल कम कर दिया है और चाय में आप लोगों को पता है मैं बहुत ज़्यादा चाय पका कर पीती हूँ और अच्छा भी लगता है। थोड़ा कम चाय पत्ती डालूँगी, अदरक डालकर छोड़ दूँगी। और ये सैंडविच खाने में कितना समय लगेगा, जैसे ही किचन आऊँगी, चाय पकने में जब तक समय लगता है तब तक मैं ये जो पूरा मेरा स्लैब्स, मैं जब भी किचन आती हूँ और किचन से बाहर जाती हूँ मुझे लगता है ये गंदा नहीं होना चाहिए, और तब तक मैंने ये पूरा साफ़ कर लिया, कहीं भी मेरा गंदा नहीं है, क्योंकि ताकि शाम का खाना बनाने में मुझे भारी ना लगे। और मेरा चाय रेडी है, जो भी बचा है और भी साफ़ कर लूँगी। और अब मैं यहाँ आ गई हूँ बालकनी, कुछ कपड़े मैंने धोए थे, कुछ नहीं बहुत सारा कपड़ा है और बिल्कुल शाम हो गया है, तो यहाँ पर मैं कपड़े डाल दूँगी। थोड़ा सा कपड़ा डालने के बाद
क्योंकि मेरा चाय ठंडा हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही कपड़ा डाला और चाय पी लूँगी मैं, उसके बाद बाकी बचे कपड़े को डाल दूँगी। तो डियर, आशा करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, इसलिए मैं आप लोगों के साथ जुड़े रहना चाहती हूँ। और बाकी कुछ सामान मैं मंगाई हूँ जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो